विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्र 1 अगस्त से 10 अगस्त तक बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों का शुभारंभ एसडीएम अंकुश शर्मा ने ज्वाला माँ का पूजन कर और कन्या पूजन किया। इन नवरात्रों में ज्वालामुखी शहर में 144 की धारा लागू रहेगी और मंदिर मार्ग पर ढोल नगाड़े बजाने व मंदिर में नारियल ले जाने व भिक्षावृत्ति पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। पहले नवरात्र को ज्वाला माँ का पूजन कर कन्या पूजन कर श्रवण अष्टमी नवरात्रों का शुभारंभ किया गया। इन नवरात्रों में प्रशासन की तरफ से नारियल व ढोल नगाड़ों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और नवरात्रों के दौरान ज्वालामुखी में धारा 144 लागू रहेगी। ज्वालामुखी शहर को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एसडीएम अंकुश शर्मा ने कहा कि आने वाले श्रवण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं मिले। इन श्रवण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं को चाहे वो पानी के पीने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, सभी प्रकार के प्रबंध कर लिए गए हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। उनके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मेटल डिटेक्टर से गुजरकर लाइनों में दर्शन करवाए जाएंगे। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने 3 टाइम के लंगर की व्यवस्था भी की हुई है और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जिसमें दवाइयां बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। ज्वालामुखी मंदिर में सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। इन नवरात्रों में ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए हर व्यवस्था की जाएगी, ताकि नवरात्र के दौरान उन्हें दर्शनों के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पुजारी अभिनेंद्र शर्मा ने कहा कि श्रवण अष्टमी नवरात्रों के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व व्यवस्था का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। इन श्रवण अष्टमी नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी प्रबंध किए हुए हैं। इन श्रवण अष्टमी नवरात्रों का माई का पूजन कर और कन्या पूजन कर शुभारंभ किया गया। श्रवण अष्टमी नवरात्रों में ज्वाला माँ के सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी से आते हैं और ज्वाला माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज पहला दिन है और लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं में काफी कमी नजर आ रही है, पर प्रशासन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। ज्वालामुखी में पंजाब की बड़ी बड़ी संस्थाएं लंगर लगाने के लिए आई हुई हैं। उन्होंने भंडारे का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। इस महीने में बहुत अच्छा मौसम होता है। श्रद्धालु इन नवरात्रों में बारिश में भीगते हुए ज्वाला माँ के दर्शन करते हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इन नवरात्रों में श्रद्धालु माँ के जयकारे लगाते हैं, ये समय बहुत ही उत्तम होता है। इन नवरात्रों में 9 देवियों का पूजन कर प्रसन्न कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने उन्नाव रेप कांड के आरोपी भाजपा विधायक को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। उन्नाव रेप कांड को लेकर युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में एक रोष रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और यूपी व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर भी विशेष रूप से शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मुनीश ठाकुर ने कहा कि आज केंद्र सरकार देश भर में तानाशाही तरीके से सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि एक बच्ची के साथ विधायक रेप करता है और फिर उसी परिवार के लोगों पर कई प्रकार से हमले किए जाते हैं, वहीं गवाहों को भी सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा जाता है। मुनीश के अनुसार इस सारे प्रकरण से यही बात साबित होती है कि उत्तर प्रदेश
सहित देश भर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार आज भी खतरे के साय में जिंदगी जीने को मजबूर है और आरोपी विधायक जेल में आराम से रह रहा है। इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश की न्यायिक व्यवस्था से इस मामले के आरोपी भाजपा विधायक को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जगदेव कागा, सदर के अध्यक्ष रविंद्र ठाकुर, महासचिव निशान ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता विजय चौहान, दिनेश चोपड़ा, सचिव दीपक खुराना, हेमंत शर्मा, मनिंदर कटोच, कुंगा बौद्ध और NSUI के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।